वेलकम बैक। हम बातें कर रहे हैं हेमा मालिनी जी से। हेमा जी ने कहा कि बचपन उनका दिल्ली में गुजरा, स्कूल भी दिल्ली में गई और यहाँ से फिर जब उनकी माता जी ने फैसला किया कि उनको सीरियसली डांस की ट्रेनिंग ली चाहिए तब वो मद्रास शिफ्ट हुई। उस ज़माने मद्रास ही था जो आज चेन्नई है। बहरहाल दिल्ली की स्कूल की कुछ तस्वीरें यहाँ देखते हैं। कि मुझे बहुत पसंद है हीरोइन एंड मुझे बहुत पसंद है और हम भी एक दिन उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे। हम नाट्य सुधा में डांस सीखते हैं, वही हीरोइन ने भी पहले डांस सीखा है नाट्य सुधा में। हेमा मालिनी स्कूल में जैसे डांसर बनी थी वैसे हम भी बनना चाहते हैं। हेमा जी, आप स्कूल में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब एकदम अव्वल नंबर आती थी या अच्छे नंबर आती थी या मतलब पास हो जाती थी क्योंकि सारा वक्त तो डांस की ट्रेनिंग में ऐसे पास हो जाती थी बस। अच्छा, और भाई पास हो जाती थी और क्या चाहिए। और क्या चाहिए, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। और हेमा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे इतनी सीरियसली किसी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आ जाते हैं बहुत बचपन की उम्र में, वो काबिल तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है नाउ ऑन लुकिंग बैक कि बचपन का कोई एक चटपटा मज़ेदार हिस्सा उनका छूट जाता है, रह जाता है? वो छूट गया मेरा बहुत सारा। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी हाँ। या आई मिस्ड आउट लॉट I feel, you know, as a, because when I see, जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, they enjoy so much and other children also that I did not have. तो वो ख्वाहिश आपने कैसे पूरी की? मतलब फिल्मों में पंखों पे चढ़ जाती थी, दरख्त पे चढ़ जाती थी। तो फिल्मों में तो बहुत कुछ किया है, but फिर भी वो जो रह गया वो रह गया। I don't think I can ever get back. That's what कहते हैं ना, to become something big, you have to sacrifice certain things. Very true. So this is one of the things. और इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि आपका स्कूल के ज़माने का बहुत कुछ जो रह गया वो रह गया। सारा कुछ तो हम वापस नहीं ला सकते, थोड़ा वापस ला सकते हैं, थोड़ा बहुत, या पर्दे बदलाते हैं। Why such a sad music? क्योंकि रह गया था, रह गया। Hi Hemu, I've come here after so many years. So sweet. It brought me a lot of nostalgia. Remember those little posters we used to buy of Krishna ji and various gods? That was our big shopping always. And I also remember as an 8-9 year old, I think we were, when we decided and confessed to each other that we will be marrying Krishna ji, Lord Krishna, and swore that we will not tell this to anybody. Well, today I have broken that promise. It's also a very strange coincidence that after so many years, we have both continued our same preference for the same kind of person. That you married Ajat Dharamji and I also married Ajat Shamshir.